अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं हमज़ा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 रमज़ान स्पेशल। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ख्याल से याद आया, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी शो की पसंदीदगी से हमें इस बात से एहसास हो रहा है कि आप इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पसंद करने के अलावा आपके रिव्यू और आपके कॉमेंट्स हमें पता चल रहे हैं, जिससे आप मेरी बनाई हुई रेसिपी जो हमने रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में अभी तक बनाई हैं, वो सारी रेसिपीज़ में से जो जो रेसिपीज़ ट्राई की हैं उसके बारे में आपने रिव्यू भी दिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस बात से कि आपने हमें अपनी दुआ में भी याद रखा, क्योंकि पिछले शोज़ में मैंने आपसे दुआ की भी दरख्वास्त की थी। अच्छा, शो के स्टार्ट में पहले मेरे जो आज के डिज़ाइनर हैं ज़ुबैर शाह प्रीमियम मेंस वेयर, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने जो वार्डरोब कर्टेसी की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हो गया। लेकिन आज की रेसिपी के ऊपर आते हैं। आज की रेसिपी जो है वो ऐसी रेसिपी है जो कराची की एक कम्युनिटी है, जिसको काठियावाड़ी कम्युनिटी कहते हैं, या काठियावाड़ गुजरात के स्टेट का एक कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान कराची में बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे से रह भी रहे हैं और ये माइग्रेटेड भी हैं, ठीक है। सो उनकी एक रेसिपी है जो कराची में मोस्ट कॉमनली आपको ऐसे ऐसे इलाकों पर, जैसे गार्डन ईस्ट वाले एरिया पर, सदर के कुछ इलाकों पर जहाँ ये कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, वहाँ ये रेसिपी आपको मिलती है। रेसिपी का नाम है काठियावाड़ी छोले। ये बहुत ही मज़े की और बहुत झटपट, और रमज़ान में तो ये आप रोडों पे, अगर आप सदर वाले रोड्स पे जाएं या गोलीमार वाले रोड पे जाएं या वो शाहराएँ जो थोड़ी तंग हैं कराची की, वहाँ पे इसके ठेले बड़े आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, मेरे लेफ़्ट साइड पे मेरे कैमरा मैन हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपके वो खुद काठियावाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो मैंने कहा हेलो कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा हेलो बदाई क्यों आई गेस। अगर मैंने गलत बोला तो प्लीज़ आप मुझे सही कर दीजिएगा। काठियावाड़ी कम्युनिटी से बहुत बहुत माजरा अगर मैंने इस चीज़ को गलत बोला हो, लेकिन अगर सही तरीका जो हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चले आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर, ठीक है। आज की रेसिपी जो काठियावाड़ी छोले, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। हाँ, ये देखें, चने को गलाने के लिए तो मैंने ऑलमोस्ट रात भर चने को भिगो दिया था बगैर सोडा डाले, ठीक है। मेरे पास जो है, मैं दिखाता हूँ, ये बड़े साइज़ के चने हैं। वैसे इस रेसिपी में काले चने भी जाते हैं और छोटे वाले जो देसी चने होते हैं ना, जिनका साइज़ छोटा होता है, वो जायके में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये वाले भी मज़ेदार होते हैं, लेकिन ये गल जाते हैं आसानी से, टाइम कम लेता है और फिर अचानक जल्दी से बन जाता है ये। तो ये वो वाले चने हैं, ठीक है। तो आप इसमें काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफ़ेद चने भी, छोटे वाले और जो ये मेरे पास बड़े साइज़ के चने, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चने मेरे ऑलमोस्ट मैंने भिगो के पकने के लिए छोड़ दिया। ये कम से कम आधा किलो जितने चने थे, इसको भिगो दिया था मैंने। भिगोने के बाद इसको बॉईल पे कम से कम ये आधे घंटे से ज़्यादा बॉईल हो रहे हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये रेसिपी बहुत क्विक है, इसमें कुछ अज्जा जाते हैं और कुछ इसको गाढ़ा करते हैं हम, और ये रेसिपी झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है। ये चने चल रहे हैं बॉईल हुए में। मैंने इसको बॉईल करते वक्त ऑलमोस्ट मैंने इसमें आधा लीटर से ज़्यादा पानी डाला था। अब मैं इसकी पानी की कंसिस्टेंसी, आपको जितनी चाहिए होगी आप उतने ही पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। ये चने की पानी मेरे पास कम है, तो ये पानी इसमें थोड़ा और डालना होगा। अच्छा, इसमें जो अज्जा जाएंगे वो बहुत सादे हैं, वो ये है कि इसमें मुझे डालना है नमक हसब ज़रूरत, यानी हद पे जायका। नमक चला गया। अच्छा, इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। आप देखते हैं उसके पीला रंग जो आता है ना, वो हल्दी से ही आता है, ठीक है। हल्दी डाल दी मैंने। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर और कुटी मिर्च दोनों डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और कुटी मिर्च डाल दी। ये थोड़ी कम है, इसको हल्के से घुमाना है। चने ऑलरेडी पक चुके हैं। अच्छा, आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, मुझे टाइम बचाना था तो मैंने हमारे जो आलू थे उसको ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रख लिया है। आप इसी टाइम पे कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी तक मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च पाउडर और नमक डाला है, और इसके अंदर मुझे डालना है केचप, लाल केचप जो होता है, टोमेटो केचप जिसे कहते हैं, वो डालना है। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, इमली का जो पेस्ट है, यानी प्यूरे जो हमने बनाना पहले भी सिखाया था, बहुत आसानी से बन जाता है। आपने इमली को
लेके गर्म पानी में छोड़ दिया 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा, इमली के ऊपर कि इमली किस क्वालिटी की है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमली के गूदे को निकाल देना, उसके बीच जो होते हैं वो निकाल दें, गूदा निकल जाएगा। ठीक है, अभी तक के मसालों में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, अब मैं इसमें चीनी डालूँगा। अच्छा, चीनी जो होता है इसका जायका को, यानी कि जो आप खाते होंगे वो मीठा नमकीन और चटपटा जायका इस वजह से आता है कि उसमें सारे वो मसाले डालते हैं जो कि एक ही बराबर हो। जैसे मैंने नमक डाला, चीनी डाली, लाल मिर्च डाली, अब इसको चटपटा करने के लिए चाट मसाला और इमली का पेस्ट भी डालूँगा। ये अब इसमें इमली का पेस्ट ये डाल दिया। अच्छा, इसके साथ साथ आज की जो दूसरी रेसिपी है वो जो है वो है कराची का एक बहुत मशहूर वाटर पंप का एरिया है जिसको कहते हैं वाटर पंप, आयशा मंदिर के करीब एक आते हैं ये चौरंगी, ठीक है। उधर बहुत मज़ेदार वाटर पंप का एक शरबत जो कि सिर्फ गर्मियों के दिनों में मिलता है, उसको हम वाटर पंप का लाल शरबत भी सुनते हैं, मार्केट में सुनने में आता है वो। आयशा मंदिर का एक जगह है, वहाँ पर इतना रश होता है वो वाला शरबत, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बनता है। सिंपल तरीके में आज के जो हम उस रेसिपी में चीज़ें डालेंगे वो सिर्फ तरबूज और हमारा रोबज़ा, सिर्फ ये दो चीज़ें उसके अंदर मिली होती हैं। उसके अंदर वो थोड़ा सा चीनी डालते हैं, और जो वो चीनी डालते हैं ना वो होती है सिक्रीन का पाउडर डालते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा करता है और उसमें रोबज़ा कम डला होता है। तो हम इसको नेचुरल तरीके से रोबज़ा से हम अपनी दूसरी रेसिपी भी बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने इमली का पेस्ट इसमें डाल दिया, चीनी ऑलरेडी डाल चुकी है। अब जो आलू हैं उसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, थोड़ा मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, चाट मसाला अभी तक मैंने नहीं डाला, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी ग्रेवी में वो पक जाए। ये मैं आलू इसमें डाल दूँ, जो सामान हो गया मैं पीछे रख देता हूँ। अच्छा, इसको आप तीखा अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, आप जितना तीखा पसंद करते हो, ठीक है। इस पर आप मुझे आलू डाल रहा हूँ ऊपर से। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया कि मैंने टाइम बचाने के लिए इसमें आलू पहले से बॉईल कर लिया, वरना आप एक साथ आलू भी डाल सकते हैं, ठीक है। आलू चलेगा इसमें। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज मुझे अपने उंगली की वजह से हो रही है, बट इट्स ओके। इस पर आलू चलेगा। अच्छा, आलू जो हैं, अगर आप आधा किलो चने भिगो रहे हैं तो कम से कम मेरे पास आधा किलो से मिनिमम कम नहीं आलू थे, कम से कम 3 आलू थे, तो हमने उसको छिलका उतार के डाला, ठीक है, बॉईल कर लिया है। ये आलू जो हैं जो बड़े साइज़ के, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ये छोटे थे इसको ऐसे ही डाल देता हूँ। तो जी, ये हो गया। अब जो इसके लास्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, टोमेटो केचप जो है वो मैं डाल रहा हूँ, इसके में टोमेटो केचप भी डल गया, चीनी डल गई, नमक डल गया। अब हमें क्या करना है, आखिरी में इसके ऊपर में चाट मसाला डालना है, और चाट मसाला डालने के बाद इसको जो आप देखते ना वो थोड़ा शोरबा टाइप आता है, गाढ़ा टाइप, वो होता है कॉर्नफ्लावर से, तो हम इसको गाढ़ा करेंगे। और अपनी जो दूसरी रेसिपी है रोबज़ा वाला जो शरबत है हमारा तरबूज का, वो बनाएंगे। टिल देन हम छोटे से वक्फे पे जाते हैं, वक्फे पे आने के बाद अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था जो 2 अज़े हमारे आखिरी के रह गए थे वो मैंने नहीं डाले थे, मैंने कहा ब्रेक से आने के बाद अपनी दोनों रेसिपीज, यानी कि एक रेसिपी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दूसरी रेसिपी के ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, पानी की कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि
नंबर ऑफ ऑडियंस जैसे खाना है हमारे यहाँ वो ज़्यादा हो गई है, तो आप भी उस हिसाब से जितने आपके घर में मेहमान हैं उस हिसाब से पानी की मकदार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इतनी मकदार रखी है कि चने भी भीगे हुए हैं और आलू भी ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जो आखिरी के दो मसाले हैं, चीनी भी डल गई, केचप भी डल गया, अब जो डालना है वो है कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा करेंगे, और जो मुझे डालना है आखिरी चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला ऊपर से चला गया ताकि चटपटा हो जाए, नमक मैंने थोड़ा सा ऊपर से और डाल रहा हूँ, ये साइड कर दिया। अच्छा जी, अब हम कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलना होगा, करूँ तो जी ये कॉर्नफ्लावर पानी में घोलने के बाद इसको कम से कम 4 से 5 मिनट पकाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। और आपके अच्छा इसकी गार्निशिंग करने के लिए आप धनिया डाल सकते हैं, टमाटर थोड़ा सा डाल सकते हैं, ताज़ा टमाटर और प्याज डाल सकते हैं। ये गार्निशिंग आप देखते होंगे ऊपर से वो भी ये डाल दें कि प्याज और टमाटर सॉरी प्याज और हरा धनिया डाल रहे होते हैं, और उसको और मज़ेदार करने के लिए वो डालते हैं इसके ऊपर पापड़ी। पापड़ी बहुत आसान तरीके से बन जाती है, मैदे को हम ठंडे पानी से गूंथते हैं, ये मैं इसके अंदर ये डाल दिया। अच्छा जी, अब इसका रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ये देखें। अब इसको मुझे इतनी देर ही पकाना है जितनी देर में हमारा जो कॉर्नफ्लावर है वो उसको गाढ़ा कर दे। ठीक है, अच्छा अब जो इसकी गार्निशिंग वाली जो चीज़ है ना वो मैं कर लूँ, वो है मैं कर रहा हूँ धनिया डाल देता हूँ, ताज़ा धनिया। एक मिनट, इसमें ताज़ा धनिया जाएगा, और मैंने जैसे कहा कि आप इसके ऊपर कच्ची प्याज भी ऊपर से डालते हैं और पापड़ी। ये मैंने रफ बिल्कुल चॉप किया हुआ है, अब इसके अंदर मैं ये भी डाल दे रहा हूँ, धनिया चला गया ऊपर से। अच्छा अब मुझे सिर्फ इसको देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया शोरबे की तरह। अच्छा मार्केट पे जो आप देखते हैं ना जो खाते होंगे काठियावाड़ी छोले, उस पर वो क्या करते हैं वो जर्दे का रंग ज़्यादा डालते हैं, मैंने इसमें इमली का पल्प डाला है तो इमली का खटा वो जो रंग होता है ना वो थोड़ा गहरा होता है और थोड़ी ज़्यादा डाला चटपटा बनाने के लिए, तो अब इस चीज़ से वो नहीं होगा कि थोड़ा ब्राउन ब्राउन तो नज़र आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हमने इमली की मकदार ज़्यादा डाली है और मार्केट की तरह जर्दे का रंग नहीं डाला जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ होता है और वो बहुत मोदरे सेहत होता है अगर वो अच्छी कंपनी का ना हो। ठीक है, ये इमली चली गई, ये थोड़ा सा पक रहा है, अब मैं इसमें 2 प्याज भी डाल देता हूँ, इसको मैं साइड पे करूँ। अच्छा प्याज जो है ना वो चॉपिंग वाली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी अच्छा, ये मैं प्याज अभी नहीं डाल रहा इसके अंदर पके हुए, उसके अंदर मैं इसको ऊपर से डालूंगा। ठीक है, चले जी ये प्याज भी हो गया। अच्छा इसको चटपटा बनाने के लिए आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, ये जो साइड पे पक रहा है, और ये देखें कितने जल्दी और इतने मज़ेदार काठियावाड़ी छोले बन गए हमारे, जो कि बाज़ार में रमज़ान के स्पेशल, और वो चीज़ जो कि आप घर पे मैं हमेशा वो चीज़ ट्राई करवाने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ जो बाज़ार में बहुत महंगी या अनहाइजेनिक यानी कि साफ़ सुथरी नहीं मिलती, वो चीज़ आप घर पर बनाएँ, शायद थोड़ा जायके का फ़र्क लगे आपको और क्वालिटी का भी फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो डाल रहे हैं वो आपको तो नहीं पता वो किस तरीके की डाल रहे हैं, वो कितनी साफ़ है, वो कितनी
क्वालिटी वाइज अच्छी, जैसे जर्दे का रंग मैंने बताया वो लोग जो बनाते हैं बहुत पीला पीला बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं डिश आउट करता हूँ। ये देखें बिल्कुल गाढ़ा। ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर निकाल रहा हूँ। ये अच्छा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक अपने हिसाब से बराबर कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा नमक कम डालें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए नमक बिल्कुल बहुत ख़राब है, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हो गया, शोरबा थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ। ओके जी, मैं इसके ऊपर की जो गार्निशिंग है, जैसे मैंने पहले कहा वो कच्ची प्याज डालते हैं, तो मैंने इसके ऊपर कच्ची प्याज डालनी है। ये चला गया, थोड़ा सा और धनिया, और इतना खूबसूरत धनिया आज ये मेरे पास, आज देखें इसके ऊपर, इसको मज़ेदार बनाती है इसकी पापड़ी। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ लोग इसको बन के साथ भी खाते हैं। ये इसके ऊपर पापड़ी आ गई, ये इसके ऊपर पापड़ी भी डाल दी, और यकीन माने इतने मज़ेदार ये रेसिपी, इतने क्विक, इतने जल्दी, और वो जो कि एक स्ट्रीट फूड है जो कि मार्केट में लोग खाते हैं बड़े शौक से, रमज़ान में तो ये बहुत ज़्यादा। मैं जो प्याज बची वो भी डाल देता हूँ, और ये मेरे ख़्याल से पूरा एक कॉम्पैक्ट मील है, जिसमें देखें आपके पास चने भी हैं, आलू भी हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसकी गार्निशिंग भी कर दी, और अब जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है वाटर पम्प का मशहूर, वाटर पम्प का मशहूर शरबत है वो, जिसको हम बना रहे हैं रोवज़ा के साथ। सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं और वो इतने जल्दी बन जाता है। ये रहा, मैं इसको यहाँ कर दूँ। आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी के ऊपर। अच्छा, आ जाते हैं हमारे आज की दूसरी रेसिपी के ऊपर, जो क्या है वाटर पम्प का मशहूर तरबूज का शरबत। ओके जी, आपको सिंपल क्या करना है, तरबूज लेना है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है अपने हाथ की वजह से। ओके जी, ठीक है, ये मैं साइड पे कर दूँ। जो मेरा सर्विंग ग्लास है एक ही निकालता हूँ, उसके अंदर हमें सिर्फ पानी डालना है। अगर आप चाहें तो तुक मलंगा ऐड करेंगे, और बिल्कुल ठंडा थार पानी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा इसको थोड़ा सा अपना कटिंग स्टेशन साफ कर देता हूँ। ये लें जी, साइड पे किया, सिंपल पतली पतली स्लाइसेस मैं काट रहा हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चकोर काटना चाहें तो चकोर काट लें। ठीक है, वो तो इतने साबित साबित डालते हैं, लाइक यानी कि बड़े बड़े पीसेस डालते हैं, ताकि आप चम्मच से पहले उसे खाएं और फिर उसके बाद आप इसको इंजॉय करें। चलें जी, ये मैंने इसको रफली चॉप कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल ग्लास की बेस में इसको डाला, ठीक है, ये चला गया, और इसको कंप्लीट करता है हमारा रोवज़ा। रोवज़ा डाला, रोवज़ा डालने के बाद अब इसमें जाएगा पानी।
बेहतरीन। अब आप इसके अंदर तुख मलंगा डाल सकते हैं तो तुख मलंगा डाल दीजिएगा, ये कंपलसरी नहीं है, जैसे आप चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं, वैसे ही इट्स इनफ एक्चुअली। थोड़ा सा इसको रिफ्रेशिंग करने के लिए इसके अंदर मैं एक पुदीना भी ऐड कर देता हूँ। तो जी जनाब, आ जाते हैं हमारे वाइंड अप के ऊपर। वाइंड अप से पहले जो आज की दो मज़ेदार रेसिपी, काठियावाड़ी छोले और वाटर पम्प का मशहूर तरबूज का शरबत जो आज हमने बनाया कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और काठियावाड़ी छोले तो इतने मज़ेदार, यकीन माने कि इतने मज़े की रेसिपी और इतने जल्दी बन गई। और हमेशा की तरह, जो हमेशा मैं इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस रखता हूँ कि वो चीज़ जो कि कम अज्जा में बन जाए। और देखिए मैंने इसमें डाला ही क्या है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च पाउडर, नमक डाला है, कैचअप हमारे घर में होता है, चाट मसाला डाला है बस, और चने को बॉईल किया, आलू डाला, उसको थोड़ा पकाया, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला और इसको गाढ़ा कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर मैंने प्याज डाली है, प्याज डालने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़े से हरा धनिया डाला है, हरा धनिया के बाद मैंने इसके अंदर ऊपर से पापड़ी टॉप की है, रेडी हो गया। और जो वाटर पम्प का मशहूर शरबत है उसके अंदर भी कुछ नहीं जाता है, लोग लाइन लगा लगा के लेते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोफज़ा होता है, लाल शरबत जिसे कहते हैं वो लोग, वो है तरबूज है, उसके अंदर वो तुख मलंगा डालते हैं भरपूर तरीके से और ऊपर से खजूर रख देते हैं। अब वो आपको पता नहीं कि वो पानी कैसा है, फल कैसा है, किस तरीके से बना है, उसमें रोफज़ा डाला है कि नहीं डाला, वो लोग सिक्रीन डाल रहे होते हैं ज़्यादा मीठा करने के लिए। तो ये जो दो चीज़ों के अंदर आप देखें इतने मज़ेदार आज की ये एक रेसिपी, तरबूज वाला शरबत और दूसरी काठियावाड़ी छोले, ये हमने बना लिया। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रमज़ान के वो अरसे चल रहे हैं जिसमें दुआओं की कबूलियत बढ़ती जाती है, तो प्लीज़ हमें हमारी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के दर की। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 रमज़ान स्पेशल। अल्लाह हाफिज़।